एक और ये दोस्तों, ये रहा कुंड। तो दोस्तों देर आए, दुरुस्त आया, हम जा रहे हैं कुंड की तरफ। तो या ये पहला कुंड पहला कुंड जहाँ गाय भैंसे नहाती है, तो इस कुंड को नहीं ढूंढ रहे हैं हम। तो हम और आगे जाएंगे टूवर्ड्स कुंड, कुंडू बोलते हैं उसे, पर कुंडू बहुत दूर है, कुंडू तो नहीं पहुँच पाएंगे। डेढ़ दो ढाई किलो ढाई दो घंटे का रास्ता है, तो वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वापस आना है और खाना भी बनाना है। आज फिर मौसम वैसा ही हो गया है, मज़ेदार चमत्कार। और हमारे सबसे आगे जा रहे हैं हमारे गाइड ओजो भाई ओजो भाई देखेंगे अपनी वीडियो यूट्यूब में, जब हम इसको डालेंगे यूट्यूब में और फेमस हो जाएंगे द ओजा गाइड के नाम से। तो दोस्तों हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और अभी हो रहे हैं शाम के 4 बज चुके हैं। अरुण बिस्ट सो गया है क्योंकि हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, उसे नींद आ गई अमित औरों का, और थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों गांव में। जो सामान खाने का लेने के लिए उन्होंने भेजा था, और गांव के रास्ते ऐसे हैं कि आने जाने में ही बहुत टाइम निकल जाता है। तो हम जिस कुंड में जा रहे हैं वो पहला कुंड है, और हमारे गांव के ऊपर ऐसे 7 कुंड है। तो 7 कुंड तो नहीं देख पाएंगे, पर सबसे ज़्यादा पानी जो है 7वें कुंड में। तो ये पहला कुंड है पर इसमें पानी नहीं है, पानी सूख चुका है सारा। यहाँ पे पानी होता है, अभी तो तप्पड़ बना हुआ है, पूरा खाली है, पर ये पहला कुंड है। और अभी पानी एकदम ख़त्म है क्योंकि बारिशों का मौसम भी थोड़ा कम हो गया है, और पानी जल्दी ड्रेन हो जाता है। हम देखते हैं अगर हमें और कुंड भी मिले। ओह बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। मामा अपने सोने की चेन चमकाता हुआ, ओ जो गया भक्ता हुआ ऐत्र पैत्र सब ना ना नहीं आ अभी खाल मिल, अभी कौन खाल मिल, अबे वो जो इत कभी ना गिरी रे राव जब रखा कितने थे वो निकारो पकड़ना वाले। तो दोस्तों हम जा रहे हैं आगे आगे, अगर मेरे चारों तरफ देखोगे तो जंगली जंगल है, फिर जंगली जंगल है, और जंगल के बीच में हम शिकारी लोग अनएक्सप्लोर्ड उत्तरांचल की खोज में। आज हम थोड़ा लेट हो गए दोस्तों, अगर हम आज कुंड नहीं दिखा पाए तो अगली बार जरूर दिखाएंगे ओहो दिख गया दोस्तों, एक कुंड आ गया हमारा। बहुत भाग्यशाली लोग हैं आप, जो आपको हम आप दिखाएंगे उत्तरांचल का अनएक्सप्लोर्ड एरिया। और मैं फिसलने वाला था अभी मैं निकल जाता, सुनी हम मिलता फिर सीधा नीचे कुंड में ही। तो आज अरुण आगे जा रहा है, डुबकी मारेगा कुंड में, और ये मेन कुंड तो नहीं है, ऐसे ही 7 कुंड है, और जो सबसे बड़ा कुंड है वो बहुत ही बड़ा है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, एकदम से दिखाऊंगा आपको मैं, कुंड एक्सप्लोर करेंगे अभी आपके सामने। और पानी अच्छा खासा है इसमें, और आपको दिखाते हैं हम कुंड थोड़ी देर में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये दोस्तों ये रहा कुंड, पहला कुंड हमारा, सॉरी दूसरा कुंड, पहले कुंड में पानी नहीं था, ये दूसरा कुंड है, और इसमें देखो कितना सारा पानी है। तो ऐसे ही 7 9 7 या 9 कुंड है,
तो आज आपको एक कुंड दिखा दिया है, धीरे धीरे आपको हम सातों कुंड एक्सप्लोर करेंगे आपके सामने, और हो सकता है कभी किसी कुंड के सामने हम आपको कैंपिंग करते हुए मिले। पर बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ख़तरनाक होता है कुंड के आसपास कैंपिंग करना, क्योंकि जानवर आते हैं और जानवरों के पीछे आता है शेर यानी बाघ, शेर तो नहीं होते यहाँ पे, और आता है भालू यानी रिक, रिच नहीं होता वो, कहीं आप समझो कि अमीर की बात कर रहे हैं हम, वो होता है रिक। तो दोस्तों ये रहा कुंड, ठंडी पानी ठंडो ऐच ऊंच यू हिमाल, ठंडो ठंडो निस गंगा जी कुछाल, ठंडो ठंडो सैया छन छड़ा पंजार, हो छन बुग्यार घाल ताल, हो। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हम यहाँ पहुंच चुके हैं कुंड के पास, और जो कुंड है ये दूसरा कुंड है, आपको मैंने पीछे एक और कुंड दिखाया था, और पीछे आप देख रहे होंगे कैसे बादल नीचे की तरफ कुंड की तरफ आ रहे हैं, और जहां हमारी कैंपिंग है वहां से ये 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, और ऐसे ही 9 कुंड हैं यहां पे, और आपको सारे कुंड एक बार दिखाएंगे। अभी आपको जो पहला कुंड दिखाया था वो सूख गया है, वहां पे ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता है। दूसरा कुंड अभी बरसात के टाइम पर, मेरे ख्याल से गर्मियों में यहाँ पर नहीं होता होगा इतना पानी। तो जो ये कुंड है ये आपको जब आप चकला खाला आएंगे तो वहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, एक ताड़केश्वर की तरफ निकलता है और ये पैदल रास्ता ऊपर की तरफ आता है, वहाँ पे ये कुंड है। तो ये मेरे गांव के ऊपर ही पड़ते हैं, मतलब एक्चुअली में जो हमारा गांव है उसके डांड में ये 7 कुंड हैं। तो कभी मैं अपने गाँव आऊँगा तो वहाँ से भी मैं आपको 1-2 कुंड दिखाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ कैंपिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि जो पानी है पानी का स्रोत है, यहाँ पर जानवर आते हैं तो जानवर के आने का डर है, भालू जिसे रिक कहते हैं, बाघ के आने का डर है, तो यहाँ पर कैंपिंग तो आप नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होनी चाहिए ऐसी जगह, नहीं तो लोग कूड़ा फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इट्स गुड कि अनटच एरिया है उत्तरांचल का, मैं ऐसे ही आपको अनएक्सप्लोर्ड उत्तरांचल दिखाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको ये अनएक्सप्लोर्ड उत्तरांचल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो सब इस कुंड का मजा ले रहे हैं, और देखो बादल कैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं एकदम कुंड को छूने के लिए, और यहाँ पे खड़े हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त है जिसने ये कुंड देखा था, ओझा द फॉरेस्ट ऑफिसर, वो हमें यहाँ तक लेके आए हैं, वरना हमें नहीं पता था यहाँ पे कुंड इतनी पास है, हमें लगा काफ़ी दूर है कुंड, तो यही लेके आए हमें यहाँ पे। तो दोस्तों ले रहे हैं सब मजा कुंड का, और देखिए सारे दोस्त यहाँ पे मजा ले रहे हैं कुंड का। और व्हाट इज दिस? हाय गाइस, ये जो है ये जो इसको मतलब भालू खाने के लिए आता है, इसे कहते हैं, इसे दोस्तों कहते हैं, इसी को भालू खाने के लिए आता है, बांज के पेड़ का एक फल है ये, छोटा सा ये बांज का बीज है, इसे निकोल कहते हैं। और ये क्या है बताओ, ये खा के देखो आप, ये जंगली स्ट्रॉबेरी है। तो दोस्तों देखो हमें मिली जंगली स्ट्रॉबेरी, छोटी सी है ये, बड़ी हो रही थी भाई ने पहले इसका जीवन खत्म कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा लगा हमने तोड़ लिया। तो दोस्तों यही उत्तरांचल की खूबसूरती है जिसे हम देखने आते हैं, और यही अनएक्सप्लोर्ड उत्तरांचल है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये खाता है वो, देखो। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जो अनटच उत्तरांचल है, अनएक्सप्लोर्ड उत्तरांचल है, इसे ज़्यादा एक्सप्लोर ना किया जाए, क्योंकि एक्सप्लोर करने से सारी चीज़ें खराब होती हैं, जैसे आप लद्दाख का हाल देख ही रहे होंगे। तो आप आइए, पैदल आइए, ट्रैकिंग करिए, मजे कीजिए, पर यहाँ पे कूड़ा ना फैलाइए। ये देखिए ऐसे चिलगोजे जैसा स्ट्रीट निकल सकते हैं, कुछ दिखा रहे हैं अमित, ये खाने आता है, इस बीज को खाने आता है भालू, और ऐसे बहुत से बीज है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते। निकोल नाम है इसका, इसको निकोल बोलते हैं इस बीज को, ऐसा अमित बता रहे हैं, और इसी बीज को खाने भालू आता है, इसीलिए यहाँ पे आसपास कैंपिंग करना इट्स नॉट सेफ। कड़वा नहीं है, मैं थूका इसलिए क्योंकि कच्चा है, इसका टेस्ट है, आप कच्चा अमरूद कभी आपने खाया होगा ना, वैसा टेस्ट है इसका, वैसा टेस्ट है। अब मेरे मुंह में ना वो अमरूद का जो कच्चा पत्ता खाते ना, पत्ता, हाँ। पत्ते का टेस्ट है, अमरूद के पत्ते का टेस्ट है इसका। तो दोस्तों अमरूद के पत्ते का टेस्ट है, इसे ही भालू खाने आता है। हाँ तो रेस लग रही है, जो पत्थर कितने टप्पे खिलाता है।
कुंड को कहते हैं अलविदा और निकलते हैं आगे की ओर अपने कैंपिंग एरिया में, क्योंकि 5 बज चुके हैं, खाना बनाना है, रात का तैयारी करनी है, चॉपिंग बोर्ड है अमित के हवाले और चिकन भी, और मामा कर रहा है पीछे से पत्थर फेंकने की तैयारी, और मामा का एक बारी में डूब गया ये देखो, और ये अमित का एक टप्पा दो टप्पा तीन चार पाँच छः टप्पे खाए, बहुत बड़ा बेहतरीन। चलो दोस्तों, हमने पानी में इतने पत्थर डाल दिए, पानी थोड़ा ऊपर आ गया 4 फुट, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो टेंट हमारे कैंप तक पानी आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम, हैं अब अब क्या कर रहे हैं, अब तो वो तो मैदान है, क्रिकेट मैदान। तो दोस्तों हमें जंगलों के बीचों बीच, तो जिसके लिए हम आए थे अनएक्सप्लोर्ड उत्तरांचल के लिए, तो उसका एक पार्ट हमारे पास आ चुका है, और आपको और भी कुंड दिखाएंगे और भी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड है। उसके लिए आपको जुड़े रहना चाहिए हमारे साथ, यस, सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं, जो झरना भी रहना तो बहुत बेहतरीन झरना, जो अगली बार आपको एक झरना दिखाएंगे बहुत ही अच्छा, यस, तो अगली बार आपको झरना जरूर दिखाएंगे, एक अनएक्सप्लोर्ड झरना है जो किसी को नहीं पता, मतलब मे बी लोगों को पता होगा, लोग जाते होंगे, बट सिर्फ हमारे गांव को पता होगा, सिर्फ गांव वालों को पता होगा, गांव में रहते हैं, यस, दैट आल्सो अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड एरिया बाय टूरिस्ट, तो हम वो चीज़ें आपको दिखाएंगे अगली बार, हम आपको कांटे से मच्छी पकड़ना, यस, काफ़ी और चीज़ें भी दिखाएंगे, और चीज़ें भी दिखाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगर आपको पसंद आई वीडियो और आपको ये लेक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, यस, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जरूर दबाएं, कैसे करके टन कैरी की, तभी तुम थे हमारे वीडियो अपडेट मिल दी रहा भाई न थरता, आप हमें इसी तरह प्रोत्साहन करते रहिए और हम आपके लिए लाते हैं बहुत अच्छी अच्छी, अगर आप घंटी वाला बटन नहीं दबा ला और हमसे सब्सक्राइब नहीं कर ला तो आप हमारे वीडियो से हमारी वीडियो से वंचित रह जाला। तो दोस्तों पहुंच गए हम कैंप में, और आप देखोगे नीचे रात के खाने की तैयारी हो रही है, आग जला जा रही है, होपफुली चूल्हे पे खाना बनाएंगे अगर बारिश नहीं आई, कल बारिश आ गई थी, चूल्हा सारा बुझ गया था, तो अगर चूल्हा नहीं बुझा तो बाहर खाना बनाएंगे, नहीं तो हमारा गैस है ही, हम अंदर खाना बनाएंगे, और सब लग गए काम पे। दोस्तों आग हो गई है लपालप एकदम, हमारा ऊर्जा कारीगर बैठा हुआ है, चिल्ला ही चिल्लेगा, दोस्तों अगर आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रही तो बहुत हवा चल रही है आज, और मैं आया हूँ लकड़ियाँ ढूंढने, क्योंकि लकड़ियों के बिना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है जंगल में, और इसलिए यहाँ पे काफ़ी लकड़ियाँ कटी हुई हैं, और उसके साथ हाँ चुभने वाले कांटे वाले पेड़ हैं जो मेरे 4 पापा चुभ चुके हैं, वो बहुत ही खुजली हो रही है उनसे मुझे, तो लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी। चलते नीचे, हाथ में कांटा चुभ गया, कंडेली जैसा कुछ था पेड़ चुभ रहा है वो, और हम चलते हैं नीचे, ये रे कंडेली जैसा पेड़ चुभ रहे हैं बहुत गंदी तरह, इनसे थोड़ा बच के निकलेंगे। तो दोस्तों खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, हमें चालू हो गया
कैमरा देखते ही इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और दोस्तों आज चल रही है बहुत तेज हवा और ठंडी हवा, तो आज हमने जो इंतजाम किया देखोगे ये ऐसा लग रहा है कि हमने घर बना दिया बिल्कुल यहाँ पे। परमानेंट जुगाड़ करके जा रहे हैं हम। अगर हम दो दिन और रुके तो यहाँ ईंट पत्थर के मकान दिख जाएगा हमको। दोस्तों गूंद रहा है आटा, और आटा गूंदने के बाद इसी पे बनेगी सब्जी। हमारे पास बस एक गलती होगी, हमने बर्तन कम लाए, तो आप जब कैंपिंग करे तो हमने बर्तन पूरे रखे। दोस्तों दोबारा चालू हो गया खान समय का हमारा। यार डाल दिए एक वाला पर यार कोई डेंट पेंट नहीं होने वाला। ग्लास दिया ठीक है। नहीं कोई बंदा बाहर क्यों आया है। और हम आटा आटा गूंद के सिदम कर दिया हिसाब किताब बराबर। क्या दही चाहिए? और दोस्तों मामा जी को नींद आ गई है, मामा जी सो गए, और हम आटा गूंद चुके हैं और लड़का बना रहा है चिकन। और यहाँ फिट रही है दही क्योंकि बनेगा चिकन कोरमा। डब्बे वाली दही ना। और पीछे बैठे हैं अरुण और ओझा जी। दोनों अरुण सारी जिंदगी भरोसा मायो ईच माल ताल बेरो ईच माल ताल तेरी खुद तेरो ख्याल तेरो समलोड़ा रुमाल खुद तेरो जिंदगी करो कमायो ईच माल ताल तेरो ईच माल ताल तेरी खुद तेरो ख्याल तेरो समलोड़ा रुमाल। मेरी माया तू ही जान, मेरी माया घना गोर चा हो घना गोर चा कब देखोलो बैठोलो कब देखोलो बैठोलो बस यकी चेरटना यकी सोर चा ओ यकी सोर चा गेरे बरकर तू गेरे बरका झुकी आंडू मकान कुएड़ी छेगे आंडू मकान कुएड़ी छेगे बरखा झुकी आगे। ये लकड़ी है ना पतली सी, क्या है पट लकड़ी थोड़ी है ये? क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। क्या क्यों सही छेद के वहीं से कहाँ जाएगा बिस्तर में। दोस्तों चिकन बनना शुरू हो गया है गानों के साथ। आडू मकन कुएड़ी छे मामा का बुखार उतारो जरा इधर लाओ मामा। धुपड़ क्या धुपड़ धुपड़ हे परमेश्वरा मांजर मांजर परमेश्वर मुर्गा बीती मुर्गा बलि मरी है मारने मांजर परमेश्वर प्याल मान के चप्पल खरोड़ दे बलराम देवी ले और राम देवी ओए ओए जी बदनामी की डारो नी बे जी तेरा गोकड़ा को चिट्ठी देने वालू वो कैदी बनो माऊ के मा दे चांद भाई। ये मूवी और इसके गाने अभी तक कोई टक्कर भी नहीं है कम से पड़े गैस ना टाइम बोल गया है क्यों तेरे से झुक गया बहुत कि वो टकड़ी हिल रही होगी इसकी सेट हो गए सारे के सारे साले। कह रंग रंगिया मेरा बाजु रंगा मेरा बाजु रंगा रंग बेचारी रंग दोस्तों अब डर रहे हैं हमने मसाला चढ़ा दिया है और चिकन में अब ये सीखों में चढ़ रहे हैं और ये जाएंगे सीधा यहाँ से तंदूर में।
दोस्तों रोटियां चालू हो गई बननी अब। तो दोस्तों हो रहा है मिल बाटे काम, करण बेल रहा है रोटियां और मैं तो भाई साहब कैसे काम हो रहा है? सोल मार सोल। हाँ सही बात है। रोल रोल मार सोल। भुला कलेंडरा है चुचा कंडकटरा भी जगा नीच जरा गाच तेरा अभी अरे 10:30 अरविंद भाई सब कर रहे डिनर बढ़िया बना रहा है अमित ने। अरे सुनो सुनो एक टोपी दोस्तों डिनर हो गया हमारा तो हम सोएंगे और रेस्ट करेंगे। बहुत मस्ती हुई, बहुत मजा किया हमने कैंप में। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद फैमिली फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब चैनल डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी दोस्तों। आगे और भी कैंपिंग्स आएंगे आपके सामने तो प्लीज 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 सब्सक्राइब चैनल और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, लव यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों जो आप लेफ्ट साइड में आइकन देख रहे हैं उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए और जो राइट साइड में आइकन है वो है प्रीवियस वीडियो से जरूर देखिए। और कुछ बोलेंगे खंडुली वाला बटन दबाना ना भूलें। बोल नहीं है, देखो मानना नहीं है। देखो दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को बंद करते हैं, हाथापाई शुरू हो गई है। हम रखते हैं और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह मिलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ जाते हुए। बाय, टेक केयर। हो सकता है आपको एक अच्छी जगह भी लेके जाए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय, टेक केयर।